भक्ति मार्ग में जो है जो राम को उपन्यास मिलता है कहते हुए भक्त उसके राम यदि पर खड़ा हुआ खड़ाऊ करके राम के खड़ाऊ करके तब उन्होंने साथ में चलाया उसकी गद्दी पर नहीं बैठे उसकी गद्दी पर नहीं बैठे राजगद्दी पर तब ये भी खड़ाऊ माने पदचिन्ह कहते हैं ना कालो फादर तो क्या कदम के ऊपर कदम रखकर के चलने की बात है कहा जाता है कदम कदम में फाड़ू करना है तो तीन भाइयों को दिखाया गया है भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्होंने अपने अपने तरीके से फॉलो किया लक्ष्मण ने अपने तरीके से फॉलो किया शत्रुघ्न ने अपने तरीके से फॉलो किया भरत ने तो खड़ाऊ ही पकड़ ली खड़ाऊ माने पदचिन्ह तो क्या राजसी जीवन बिताया होगा राजसी जीवन नहीं बिताया देखा कि वो बनगामी हो गए तो हम भी अपना जीवन ऐसे ही बिताएंगे जैसे जंगली वनवासी ऐसे उन्होंने अपना जीवन बिताया और लक्ष्मी जी को उल्लू पर बिठा दिया है इसका दुनिया के जितने बड़े बड़े साहूकार हैं उनकी बुद्धि ऊपर लगी हुई है या नीचे बाबा उल्लू को कहते हैं उल्टा लटका हुआ है उल्लू मिसल बन पड़े हैं दुनिया के पूंजीपति लोग तो उनकी बुद्धि ऊपर लगी हुई है या नीचे लगी हुई है नीचे की दुनिया में लगी हुई है अधोगामिनी बुद्धि हो गई है ऐसी अधोगामिनी बुद्धि जिनकी हो जाती है वो फॉलो करते हैं ब्रह्मा कुमारियों को और ब्रह्मा कुमारियों में भी जो श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी है लक्ष्मी जो चंद्रवंश से आती है उसका प्रभाव सबसे जास्ती होता है तो जब निकलेगी तो दुनिया के बड़े बड़े धनी मानी सब इधर एडवांस में आ जावे इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी की सवारी किसके ऊपर यानी उल्लुओं के ऊपर होती है बुद्धू नहीं फॉलो बुद्धू ही फॉलो करते हैं बुद्धिमान फॉलो नहीं करते ब्रह्मा कुमारियों को बाप के बच्चे बुद्धिमान कहेंगे या बुद्धू कहेंगे बुद्धिमान है भले गरीब है लेकिन बुद्धि से बड़े पूरे हैं उनको उल्लू नहीं कहेंगे जो पंप एंड शो को फॉलो कर रहे हैं वो बुद्धू उल्लू है और बारह ज्योतिर्लिंग का क्या है बारह ज्योतिर्लिंग का क्या करें बारह ज्योतिर्लिंग बोलो बारह ज्योतिर्लिंग मतलब कितना मतलब सूर्यवंशी बारह आत्माएं हैं
मतलब वो 12 बाप के समान स्टेज बनाने वाले, बाप समान स्टेज बनाती हैं, उनमें बाप प्रवेश करता है स्पेशली, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान प्रवेश करता है, कौन प्रवेश करता है, है? हाँ, मैं तो एक व्यापी होकर आता हूं, बाकी तुम बच्चों में बाप दादा प्रवेश करते हैं। राइट, इसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है और लेफ्टिस्ट में बाप प्रवेश करता है। और बाबा अभी एक घटना हुई, रविशंकर पर गोली चलाने की है, तीन धर्मगुरुओं को टीवी चैनल पर इंटरव्यू लिया गया है, तीन धर्मगुरुओं का टीवी चैनल पर इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया क्या आपको अपनी सुरक्षा की, अपनी जो मौत का डर है उसके लिए सरकार से सहयोग है कि नहीं, सहयोग चाहिए सरकारी, तो बाबा रामदेव ने कहा हम भीख नहीं मांगेंगे, सरकार से भीख नहीं मांगेंगे, अपने आप मिल जाए तो ठीक है, अपने आप मिल जाए तो ठीक है। दूसरी तरफ ये भी चिंता होगी उनको कि सुरक्षा होनी चाहिए, और वो खुद लाखों लोगों को आमंत्रित करते हैं, एक जगह गैदरिंग करके इकट्ठा करते हैं, तो क्या इस तरह सरकार उनको सुरक्षा दे पाएगी या उनका इकट्ठा गैदरिंग करना बंद किया जाएगा, ऐसा संभावना क्या हो सकती है? अभी फिलहाल थोड़े समय पहले आसाराम बापू के कोई संगठन में भोजन के बांटने के समय भगदड़ पड़ गई और ढेर के ढेर लोग मर गए, तो सरकार के सामने ये प्रश्न पैदा हो गया, क्या ये गैदरिंग बंद की जाए, करा दी जाए? लेकिन ये तो धर्म का मामला है, इसमें संविधान के अनुसार सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। उनको मौत की भी चिंता होगी, उनको तो मारे जाएगा गोली, मारे तो सारे ही जाएंगे, बचे हो तो इतना उपदेश देते हैं कि कर्मों के अनुसार ही तो प्राप्ति होती है, तो फिर अब ये सब ये चिंतन क्या साबित करता है कि धर्मोपदेश भूल जाता है? कर्म ऐसे किए होंगे तो कोई गोली मार देगा, नहीं किए होंगे तो कोई गोली से मार नहीं सकता। बाबा 2028 तक एडवांस पार्टी कितने आत्माएं प्रत्यक्ष, 2.25 लाख आत्माएं प्रत्यक्ष होंगे। रुद्रमाला में जो भी पुरुषार्थी तबक्का है, राजयोग के पुरुषार्थी कितने हैं? 4.5। अरे वो राजयोग के पुरुषार्थी है, राजयोग सीखते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पवित्रता का पालन कर रहे हैं, 4.5 लाख में राजवर्ग की आत्माएं हैं, राज परिवार की ही आत्माएं हैं राजयोग सीखने वाली, या प्रजावर्ग की भी आत्माएं हैं? तो प्रजावर्ग वाले पुरुषार्थ करते हैं, 16,100। हाँ जी, और बाबा आज की मुरली में एक पॉइंट था, आयु के हिसाब से लक्ष्मी नारायण को सतो प्रधान कहेंगे, तो सतो प्रधान आयु के हिसाब से लक्ष्मी नारायण को सतो प्रधान कहेंगे, सतो कहेंगे,
हाँ तो आयु से इसका कोई रिलेशन है सत्व प्रधानता का? कैसे, ये कैसे? जब शादी हो जाती है तो आयु की कोई लिमिट होती है या ऐसे ही हो जाती है? लिमिट होती है, लिमिट होती है। ब्रह्मचर्य है, अकेले रहने में ब्रह्मचर्य है, और साथी है तो कम से कम बुद्धियोग तो जाएगा एक दूसरे की तरफ, नहीं जाएगा? जाएगा। बुद्धियोग निराकार से हट करके एक दूसरे साकार की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? तो थोड़ा बहुत घाटा आएगा कि नहीं आएगा? पांव बुद्धि की निशानी है, लागे माने आपकी बुद्धि जहाँ तक है वहां तक हमारी बुद्धि भी जाए, हमारी बुद्धि रूपी आत भी वहां तक पहुंच जाए, वो मतलब है। हमारी बुद्धि की पहुंच वहां तक हो जाए जहां पंडित जी की बुद्धि पहुंची हुई है। और मुसलमानों में 786 संख्या का विशेष महत्व है। इसका अर्थ क्या है? है सत्युग में जब पहले लक्ष्मीनारायण का राज्य होगा तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो किस धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे? है इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे। इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले बच्चे हैं वो सत्युग में कितने जन्म लेंगे? है 7 जन्म लेंगे। तो 7 का कनेक्शन है ये। टोटल 3 अंक है, 7, 8 और 6 मिला के कितने हुए? तो मुसलमान कर्म वाली आत्मा जो पहले लक्ष्मीनारायण के घर में जन्म लेंगी तो पहला जन्म तो उनको बहुत छोटा थोड़ा हो गया, बचपन ही है सब, बड़े होंगे तो दूसरी पीढ़ी हो जाएगी। तो टोटल मिला के उनको 21 जन्म मिलते हैं, क्योंकि त्रेता में जैसे राधा कृष्ण वाली आत्माओं के 13 जन्म होंगे वैसे उनके भी 13 जन्म हो जाएंगे। तो 3 अंक मिलाकर के 21 बनता है। और बाबा इस बार चंडीगढ़ इतनी देर से क्यों आ गए? चक्कर बहुत देर हुआ लगा। अब पंजाब में कितने जिले हैं? है? कितने जिले हैं? पीछे बढ़ गए 4-5। अभी कितने जिले हैं पीछे और आगे? है बाबा 18। 18 जिले हैं। 18 मिनी बस वन खुल जाएंगे तो जल्दी जल्दी आवेंगे या देर से आवेंगे? है देर से ही आना होगा। और एक खुला है तो पहले 2 महीने में एक बार, पहले 1 महीने में एक बार नहीं, 2 महीने में एक बार, तो अभी 4 महीने में एक बार है।
अरे एक दो महीना तो ऐसे होता ही रहता है। बाबा जब श्रवण कुमार को दशरथ ने तीर मारा तो श्रवण कुमार के माता पिता ने उसको श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं ऐसे तुम भी पुत्र के वियोग में तड़पोगे, इसका बेहद में क्या अर्थ है? श्रवण कुमार है कौन? मेरा पिता श्रवण कुमार है। और उनके अम्मा बाप कौन है? उनके अंधे अम्मा बाप कौन है? मम्मा और बाबा। तो मम्मा और बाबा अब तो हो गए माँ बाप, श्रवण कुमार हो गया प्रजापिता। अब तीर मारा किसने? दशरथ कौन है? दशरथ। अरे दशरथ जो राम है किसका बेटा है? दशरथ। दशरथ का बेटा है। तो ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ते हैं उस समय यज्ञ में उस समय तक दशरथ तैयार हो जाते हैं कि नहीं है? हो जाते हैं। तो दशरथ माने रावण, दसौ शीश। और रावण तो तीर मारेगा कि नहीं? किसको मारेगा? है रावण को काम है, धंधा है माया रावण का काम है कि अपने दुश्मन को मारेगा। तो तीर मारता है तो ऐसे शास्त्रों में दिखा दिया है कि श्रवण मर गया। वास्तव में श्रवण मरता है क्या? है वो मरता है कि मार के मरता है? मार के भी नहीं मरता है। तब कथा कहानियां बना दी है। और अरे क्या नहीं बात एक होती है और संतान, असली बाप का बच्चा, और एक होता है दोगली संतान। ज्यादा सच्चाई सफाई किसमें होती है? ज्यादा प्योरिटी किसमें होती है? है जो असली बाप का बच्चा होगा उसमें ज्यादा सच्चाई सफाई होगी, कुल की आन बान ज्यादा होगी, प्योरिटी भी ज्यादा होगी। वैश्या की संतान होगा तो नहीं होगी। प्रश्न आया है देसी गाय का दूध पीने से अधिक शक्ति प्राप्त होती है या दोगली गाय का दूध पीने से अधिक शक्ति प्राप्त होती है? जो विदेश से गायें आ रही हैं ये सब दोगली हैं या असली देसी नस्ल है? अरे खेती में भी इनका असर दिखाई पड़ता है। जो विदेशी गायें आती हैं उनका गौमूत्र, उनका गौरस, गोबर है और मूत्र ऑर्गेनिक खेती में काम नहीं आता। ऑर्गेनिक खेती में देसी गाय का गौमूत्र और गोबर बढ़िया काम करता है। और बाबा से भैंस के हिसाब से अच्छी है ये दोगली गाय?
भैंस तो धर्मराज का परिवार है, भैंस बुद्धि। धर्मराज तो ऐसे है जैसे राजा के राज्य में दंड देने वाले को क्या कहा जाता है? किसी को फांसी देनी हो जल्ला। जो अकल ज्यादा चलाने वाले होते हैं ना, उनको भावना भी ज्यादा होती है। तो ऐसा जघन्य काम नहीं कर सकते, ऐसा जघन्य काम उनसे करवाया जाता है जिनकी बुद्धि सीधे रास्ते पर चले। जैसा रास्ता बता दो बस चुपचाप पाक बंद करके उसी रास्ते पर चले। और बाबा जी ने कहा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड है, एक कहावत कहिए कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली वस्तु ठीक है, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। दूसरी तरफ ज्योतिषी कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। क्या मतलब? चेहरा आदमी के दिमाग को बता देता है कि क्या है। तो चेहरा भी तो कोई चमकने वाला होता है, तो ये दोनों चीज एक दूसरे को क्रॉस नहीं नहीं क्रॉस नहीं करता है। चेहरा दो तरह का नहीं होता है, चेहरा एक होता है जिसमें आंखों में चमक ज्यादा जास्ती दिखाई पड़ती है, प्योरिटी दिखाई पड़ती है। एक चेहरा ऐसा होता है जिस चेहरे में पर्सनालिटी तो बड़ी ब्लांट दिखाई पड़ती है लेकिन अंदर से पापाचार बहुत भरा हुआ है। इतनी ग्रैंड पर्सनालिटी होती है कोई के भी सामने जाएंगे तो डर जाएगा, मान लेगा बात को। तो चेहरा नहीं दो तरह का होता है, लेकिन निष्ठा का फोटो नहीं खींचा जा सकता है। निष्ठापूर्वक जो शैली का आदमी है वो निष्ठापूर्वक काम कर रहा है, कैसे जान लेंगे कि इसकी 100% निष्ठा देश के प्रति है। मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है, बाहरी चेहरे मोहरे से जाना जा सकता है, ये भी एक विद्या है। मस्तक देख करके आंखों की चमक देख करके लोग अंदर की बातें बता देते हैं। जिस परिवार में पीढ़ियों से गौ कसी होती आई हो उनके चेहरे देखो, और ब्राह्मण परिवार के जो पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण कर्म करते चले आए हो और अच्छे ब्राह्मण हो सदाचारी, उनके चेहरे देखो। अलग दिखाई देंगे, नाटक में ड्रामाबाजी में जो हीरो दिखाएंगे उसका चेहरा मोरा कैसा बनाते हैं, और जो विलियन दिखाते हैं उसका चेहरा मोरा कैसा होता है? रावण नुमा होता है। और जितने दीदा पाशवत न हो वो जीवन नहीं देखते हैं, वो सास सुत्र आपको भट्टी कर चुके हैं जब बाबा वाले नहीं रहे। जितने देर से सास सुत्र आत्मा भट्टी कर चुकी हो कहा कोई कोई जगह है सास सुत्र आत्मा भट्टी कर चुकी गीता पाशवत नहीं हो भट्टी ऐसी कर चुकी हो को ना बताया जाए कि बच्चे मत लाओ क्लास में, बाबा के क्लास में बच्चे नहीं आने चाहिए, भट्टी में बच्चे नहीं जाने चाहिए, और वो बच्चे के बच्चे ढेर सारे ले आएंगे, ऐसी आत्मा इकट्ठी हो जाएगी। न टीचर की बात को मानेगी न मुरली की बात को मानेगी, तो फिर बाबा के चक्कर पहले लगेंगे बाद में लगेंगे लगेंगे धीरज धर्म Thank you.
भारत की कन्या माता के मुख से ज्ञान दूध सुनना क्यों अच्छा है? अरे विदेशी नदियों में कोई स्नान करता है? नहीं करता। भारत की नदियों में स्नान करते हैं। भारत की नदियों में भी उत्तर भारत की नदियों में स्नान करना ज्यादा प्रसिद्ध है या दक्षिण भारत की नदियों में? उत्तर भारत में ज्यादा स्नान करते हैं। वही भावना की बात आ जाती है। तो सच्चा ज्ञान मिलेगा, भगवान प्रत्यक्ष होगा तो उत्तर भारत की जो कन्या माताएं हैं वो गंगा के स्टेज पर निकलेंगी। बोला ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, तो साधु सन्यासी भी उनको नतमस्तक हो जाएंगे। बाबा इसलिए छह पांच को छत्तीसगढ़ में हमारे 76 आदमी कैजुअलिटी हुआ माइंस ब्लास्ट, उनको आगे कौन सा जन्म मिलेगा? हैं? उनको कौन से जन्म में शहीदों में माने जाएंगे या वो कैसे माने जाएंगे? 76 आदमी कैजुअलिटी हुआ ना हमारी जो हाँ कैजुअलिटी माइंस ब्लास्ट हुआ ना सर, नक्सलियों ने मारे थे 76 आदमी, नक्सलियों ने फौजी आदमी मारे ब्लास्ट करके बॉम्ब ब्लास्ट 76 आदमी कैजुअलिटी हो गई है। 76 लोगों को मार दिया, तो ये पूछ रहे हैं कि उनका आगे जन्म कैसा होगा, वो शहीदों की लिस्ट में होंगे या कैसे? शहीदों की लिस्ट तो उनको की जाती है जो कोई अच्छे काम के लिए निकले हो फिर मारे जाएं। वो किस काम के लिए निकले हुए थे? उस सर्चिंग के उग्रवादियों को भगाने के लिए वो पब्लिक को तंग करते हैं, उनके हेल्प के लिए गए थे, सिर्फ पब्लिक की मदद के लिए गए थे। जैसे ऑनरेरी मिलिट्री बन के गए थे, सीआरपीएफ के थे, तो वो तो अच्छे मकसद से निकले ना। हाँ जी, जो दुख देने वाले हैं, हाँ जी हाँ जी, उनको पकड़ने, दुख देने वालों को पकड़ा जाए या तो उनको अंत खत्म किया जाए। नक्सलियों की खोज में गए थे, उनसे लड़ने के लिए गए थे, उन्होंने उठता वापसी में उनके ऊपर तैयारी का अम्बूस लगा के और माइन से लगा के उनको घेरे में लेके उनको अटैक किया। एक पॉइंट बाबा खुद सामने आया है, तो सीधी एक बात का पूरा होने दो, इसी में एक पॉइंट सामने आया है कि जिस रास्ते से वो गए थे उससे वापिस नहीं आना चाहिए था, वो उसी से आए, तो उनकी गलती मानी गई है मन में। ये भी पॉइंट सामने आया है इसी में कि जिस रास्ते से वो गए थे उनको वापसी में दूसरे रास्ते से आना था, मना करने पर भी वो तो कयास निकालने वाले पीसीओ कयास निकालेंगे, लेकिन असलियत यह है उनका भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जिन्होंने कदम बढ़ाया उस काम के लिए उनका भाव कैसा था? भाव विश्व कल्याणकारी था या स्वार्थ का था? तो वो तो उनकी अकाले मौत नहीं मानी जा सकती, अकाले मौत में होगा ही नहीं, भूत प्रेत बनने का सवाल ही नहीं, तो दोबारा जन्म लेंगे, ईश्वरीय ज्ञान में भी आ जाएंगे। और हाँ क्या कुछ ऐड कर रहे थे इसमें? सप्त ऋषि अष्टदेवों में से ही निकलेंगे या ये अलग है? अष्टदेव और सप्त ऋषि, ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र जीवन बिताते हैं, जंगलों में रहते थे, और अष्टदेव तो प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के? तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं। हाँ उनसे पैदाइश होती है सप्तर्षियों की, तो सप्तर्षि कहेंगे सात नारायण को, और
सन 2000 क्या उसके बाद जो आपने जन्म ले लिए हैं, सन 2000 क्या उसके बाद जो आपने जन्म ले लिए हैं वो बच्चे को नहीं कर पाएंगे? 2018 तक ही पढ़ाई करेंगे। 2000 के बाद जो जन्म लेंगे वो क्या नहीं कर पाएंगे? बच्चे नहीं कर पाएंगे। बच्चे नहीं कर पाएंगे। बच्चे नहीं कर पाएंगे क्यों? 2018 तक बच्ची में तो 5-5, 6-6 साल के बच्चे जा रहे हैं, उनकी बच्ची भी जाएगी। अरे जा रहे हैं ना 5-6-6 साल के 8-8 साल के बच्चे, वो गोद के बच्चों को नहीं ले जा रहे हैं जो वहाँ तक की पेशाब करते रहते हैं? 2 साल के बच्चों को क्यों ले जाना? 9 साल को तो सरेंडर किया जाता है। 12वीं ये लिखा हुआ है क्या? 9 साल के नीचे के बच्चों को लाना मना कर, जो शैतान बच्चे हैं तो उनको तो बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। भारत में ऐसे लिखा है 9 साल से छोटे बच्चों को पट्टी में नहीं लाना है। हाँ हाँ, अभी कोई सही के लिए बोला है। 9 साल से जो कम के बच्चे हैं वो जब दिमाग विकसित नहीं होता है थोड़ा भी, वो अपना अपना काम अपने आप नहीं कर सकते हैं, माँ बाप को बिजी कर देंगे अपनी सेवा में। बाबा भी माउंट आबू में यज्ञ हुआ, हमारे समाज द्वारा उसमें 160 किलो घी जलाया गया, आमंत्रित किया उन्होंने दूसरों को भी, और उधर से पेड़ भी कट रहे हैं, वहाँ पेड़ों में आग भी लग रही है, काफी जगह पेड़ों में आग लग रही है, अपने आप नहीं लगा रहे, कुछ लोग कुछ वैसे भी लग जाती है, चोरी कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, तो उस पर भी रोक नहीं लग पाई और सरकार को आमंत्रण करके बुलाया कि हमारे एक में आओ, तो हमारे संस्था के कुछ लोगों के पास भी वो आए आचार्य जी। हाँ, तो हमने उनसे कहा भी ये श्रेष्ठ ये उनको ज्ञान ही बोलता है, द्रव्य लेकर रहे आप और ये पेड़ों में आग लग रही है, चोरी हो रही है, ये रोक नहीं पा रहे, तो उन्होंने कहा आपने लकड़ी तो चाहिए यज्ञ के लिए, यज्ञ करने के लिए लकड़ी तो चाहिए, घी भी तो जला लिया उन्होंने 160 किलो, तो ज्ञान लोग तो हुआ ही नहीं वहां पर, इसलिए हम गए नहीं। अब इसमें अकेले आर्य समाजियों को ही क्यों पकड़ते हैं? ऐसी अंधश्रद्धा की प्रवृत्तियां तो सभी धर्मों में चल रही है, कोई में किस तरह कोई में किस तरह। हम उनकी गलतियों को न पकड़ करके हम अपनी असली बात बताएं, वो चाहे तो उसे टैली करके देख ले, आज नहीं तो कल उनको टैली तो करना ही पड़ेगा। आज बुद्धि में बात नहीं बैठ रही है, हठयोगी बन के बैठे हैं, कल ऐसा माहौल आ जाएगा उनको सोचना ही पड़ेगा। बाबा, रामायण में ना एक पक्षी था जटायु, उसका पंख काट दिया था राम ने जब सीता को बुला रहे, ऐसे बहुत हैं जिनके माया रूपी रावण ज्ञान योग के पंख काट देता है, न ज्ञान सुना पाते हैं न याद में उड़ पाते हैं, फिर भी उनकी मुक्ति होती है अंत समय में। बाबा जो हर श्री है, तो श्री है ये जन्म से लेकर हड्डी होती रहती है, आपकी है जो ये इनका शरीर का कम होता है, यदि जन्म होने जन्म से इतनी आपकी रहती रहती है, जैसे जैसे अंगों का विकास होता है, अंगों का विकास होता है बड़े होते हैं, छोटे पन से लेके बड़े तक होते हैं, भी आंखें जो है उतनी रहती, आंखें उतनी रहती, आंखें उतनी रहती, आंखों का विकास होता है, छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसकी आंख छोटी होती है, वो बच्चा जो जो बढ़ता जाता है उसकी आंख बड़ी होती जाती है, बुढ़े बुढ़े लोग आते हैं उनकी आंखें तो ऐसी बढ़ता हुआ। बाबा, 16 साल के बच्चे ने भर्ती की और तो कहते हैं कि उसको 18 साल का होगा फिर करनी पड़ेगी,
नहीं, सरकारी नियम यह है कि जब तक बालिग नहीं हो जाता है तब तक उसका एफिडेविट नहीं बनवाया जा सकता है, या उसका कोई भी स्टाम्प पेपर पर साइन नहीं होना है। तो ये परिपक्व करने के लिए 18 साल का हो जाने के बाद स्टाम्प पेपर पर साइन किया जा सकता है। भट्टी कर लो बाबा, अगर वो उसने 16 साल के बच्चे ने भर्ती कर ली तो श्रीमत के खिलाफ है, उसको उतने बात लगी श्रीमत के खिलाफ। अगर कोई काम करेगा कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटे बच्चों को भी पाप लगता है, जितनी समझ है उतना ही पाप भी लगता है। समझ कम है पाप कम लगेगा। छोटे बच्चों की जेल अलग होती है और बड़ों की जेल अलग होती है। बड़ों को जितना दंड भोगना पड़ता है उतना छोटे बच्चों को दंड नहीं भोगना पड़ता है। मगर ये स्टाम्प पेपर पर लोकसभा में दाखिल साइन करना पड़ेगा किस बात के लिए? जैसे बच्चे ने 16 साल के लिए भर्ती कर ली है ना, हाँ, तो अब 18 का हो जाएगा, हाँ, तो आप क्या कह रहे हो कि वो स्टाम्प पेपर पर साइन करने पड़ते हैं, हाँ, तो वो वहां जाना पड़ेगा दोबारा लोकसभा में, यहीं से लिख के भेज दो, गलतियां होंगी फिर कौन सुधारेगा, बात तो गलतियां बता दी जाएंगी। बाबा संगम पर हम जो कर्म करते हैं उसके मुताबिक 21 जन्मों का प्रसाद मिलता है, और मुरली ने बताया था कि 21 जन्मों के आधार पर फिर 63 जन्मों का मिलता है, तो संगम पर तो हमको ज्ञान है उसके हिसाब से हमको प्रसाद मिलेगा 21 जन्मों का, लेकिन 21 जन्मों में तो ज्ञान ही नहीं है किसी को, तो वहां जो कर्म है वो तो पकर्म है, तो उनके बेसिस पर 63 जन्मों का प्रसाद कैसे मिलता है? अभी ज्ञान नहीं है 63 जन्मों का, अभी तो है लेकिन 21 जन्मों के आधार पर 63 का मिलता है, इसलिए 21 जन्मों के आधार इसलिए बताया कि 21 जन्मों का हिसाब जैसा जिस क्रम से बनेगा उसी क्रम से प्राप्ति वहां होगी। जैसे राम वाली आत्मा है सत्युग के आदि में विश्व का मालिक है, तो द्वापर के आदि में रामकृष्ण वाली आत्मा है ना, वो सत्युग के आदि में सारे विश्व का मालिकाना भोगती है, तो द्वापर के आदि में भी मालिकाना भोगे। त्रेता के आदि में फिर मुखिया बन जाती है, ऐसे ही द्वापर वो कलयुग के आदि में फिर रामवली आत्मा उसी स्टेज में पहुंच जाएगी। मुख्य बेस तो संगम युग का ही हुआ ना, और क्या है, तो लेकिन संगम युग तो हुआ, लेकिन संगम युग के आधार पर 21 जन्म बना ना, तो जो 21 जन्म बना है जिस क्रम से बना है उसी क्रम से वहां प्राप्ति करेंगे 63 जन्म में। त्रेता का अंतिम जन्म रामकृष्ण वाली आत्माओं के लिए कठिनाई का युग है, तो कलयुग का अंत समय भी ऐसा ही है। बाबा अगर वैज्ञानिकों के पास एडवांस का कोई भाई जान में ये पॉइंट भेजे कि जिस चांद पर तुम पानी खोजने जा रहे हो, जिस चंद्रमा पर तुम पानी खोजने जा रहे हो, कुछ समय बाद वो प्रशांत महासागर में आके वापस मिलेगा, तो क्या ये सही है, इसको वो वेरीफाई कर पाएंगे एडवांस का भाई, उसको चैलेंज करेंगे इस सच्चाई को, वो मान्यता दे पाएंगे? हमारे दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार बुद्धि चलाने के लिए मजबूर नहीं हो जाएंगे। बोलेंगे हमारी रिसर्च रुक जाएगी है? वो बोलेंगे हमारी रिसर्च रुक जाएगी, हमको करना ही करना है, क्या हो जाएगी रिसर्च रुक जाएगी, खोज तो उनकी वैसे भी रुकी हुई है, वो बड़मूला ट्रायंगल के बारे में क्या खोज कर रहे हैं, क्यों चुप हो गए?
जा ही नहीं पाते फिर इनको, वो मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए, उल्टों पर जाने से भी डरते हैं, उल्टों पर भी डरते हैं। हाँ जी, मैं स्वयं प्रभा का जिक्र है, मैं इनमें स्वयं प्रभा का जिक्र है, स्वयं प्रभा का जिक्र है, स्वयं प्रभा का जिक्र बता दें क्या स्वयं प्रभा है, रामायण में ऐसा बोला हुआ लिखा है कि जब वानर सेना गई तो आगे, अरे लफड़े में क्यों पढ़ते हो, बाबा ने कहा ये शास्त्रों में सब भूसा भरा पड़ा है, शास्त्रों में से जो ब्रह्मा के मुख से जो बातें शास्त्र की बताई गई हैं उन बातों पर मनन चिंतन मंथन करो, मैं शास्त्रों के सार सार की बातें उठा उठा के तुमको बताता हूँ, तो तुम सारा ही उठाओगे तो हाल क्या होगा, बुद्धि बिखर जाएगी, कहीं का नहीं रहोगे, तो तुंडे तुंडे मत भिन्ना हो गया, अपने अपने तरीके के चित्र बना दिए, अपने अपने तरीके के शास्त्र बना दिए, जिसकी बुद्धि में जो आया जैसा आया वैसा लिख मारा, कभी सात्विक स्टेज है बनाने वालों की, कभी तामसी स्टेज है, तो सच्चाई कहाँ होगी, सात्विक स्टेज वालों की सच्चाई होगी, बाकी सब उसमें कचरा भर दिया। बाबा गुरु नानक ने ऊपर से आने वाली शोर में प्रवेश किया ना, उसके बाद है गुरु नानक ने तो ऊपर से आने वाली शोर में प्रवेश किया, हाँ उसके बाद जो गुरु हुए हैं दस गुरु उनके उनमें चले ना दस गुरु, हाँ उनमें भी क्या ऊपर से शोर प्रवेश करती, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से प्रत्येक मनुष्य आत्मा 33 करोड़ देवताओं में प्रवेश करती है, टाइम टू टाइम प्रवेश ही करती रहती है, 33 करोड़ देव आत्माएं ही निमित्त बनती है, ऊपर से 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को जीवन देने के लिए, 33 करोड़ आत्माओं में सभी आत्माएं प्रवेश करती, सभी आत्माएं चाहे क्राइस्ट हो चाहे साधा हो। बाबा एक बताया कि सिख धर्म में जो बौद्ध धर्म के सन्यासी है ना, है वो सन्यास धर्म से होते हुए सिख धर्म में मतलब जाते हैं, वो कैसे है, जो बताया ना गुरबाणी ने कि जो बौद्ध धर्म के सन्यासी हैं वो सन्यास धर्म से होते हुए फिर सिख धर्म में मतलब जाते हैं, मतलब ये तो पता है कि हर धर्म की आत्मा सचयुग के आदि में थी या नहीं थी, संगम युग में तो सभी थे कि नहीं थे, अरे सभी थे, लेकिन जिन्होंने अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ किया वो आज से ही परमधाम से नीचे उतर आए, जिन्होंने द्वयम नंबर का पुरुषार्थ किया वो थोड़े समय परमधाम में ही लटके रहे फिर नीचे उतरे, ऐसे ही जो जितना परवर्ती काल का धर्म है वो आत्माएं उतने समय तक ऊपर ही रहती है, जो अपने धर्म की पक्की होती है वो, और वो जब उतरती है तो भारत के 33 करोड़ देवी देवताएं देव आत्माएं जो और धर्मों में कन्वर्ट होने की हरकत में आती है उनमें प्रवेश कर जाती है, तो निश्चित है कि सतयुग के सातवें नंबर का जो नारायण है आर्य समाज से पहले सिख धर्म की आत्मा होंगी कि नहीं कन्वर्ट होने वाली, ऐसी आत्मा उसमें होंगी कि नहीं सतयुग आदि में, जो
कलयुग के मध्य में आकर के सिख धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अरे होंगी, इससे साबित हो जाता है कि वो आत्मा उससे पहले कौन से धर्म में थी। इसमें संन्यास में भी रह सकती है, उनके संस्कार मिलते जुलते हैं प्यार की। और जो सिमिलैरिटी पाई जाती, जो दस गुरु हैं, दस धर्मों के उनका कनेक्शन है, सिमिलैरिटी पाई जाती है। यहाँ भी तो झाड़ के चित्र में दस ही धर्म दिखाए हैं। जो प्रजापिता है उसकी सिमिलैरिटी गुरुनानक से सिमिलैरिटी भी तो मिल रही है। देवी देवता सनातन धर्म के नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक रहने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म? नहीं, बौद्ध धर्म तो नास्तिक है, स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, वो तो एक तरह का नास्तिक धर्म हो गया। माधवपुर की प्रतिमा को तो मानते हैं, प्रतिमा को मानते हैं, लेकिन क्या वो भगवान है? फिर और क्या बौद्ध धर्म से पहले बौद्ध धर्म की आत्मा नहीं थी? बौद्ध धर्म से पहले, महात्मा बुद्ध के आने से पहले बौद्ध धर्म की आत्मा भारत में नहीं थी? ठीक थी नहीं तो कन्वर्ट कैसे हुए? और तैतीस करोड़ आत्माएं तो अंत समय तक उतरते रहते हैं। तैतीस करोड़ जो देव आत्माएं हैं, हाँ, तो कलयुग के अंत तक उतरती है ना? कलयुग के अंत तक हर धर्म की आत्माएं अंत तक उतरती है, देवता धर्म की भी अंत तक उतरती है। और बाबा, जो आत्मा आगे आगे कन्वर्ट होती है, जैसे आपने बोला सिख धर्म में पीछे भी तो थी वो आत्मा किसी और धर्म में थी, तो उसको तो सिख धर्म की आत्मा थोड़ी कहेंगे, जो पीछे जिस धर्म में थी उसी धर्म की बोलेंगे ना, जो मुख्य और पीछे का धर्म माना जाएगा ना। क्या पूछ रहे हैं, समझाया? सिख धर्म से पहले वे आत्माएं जिस धर्म में थी वो उसी धर्म की आत्मा कहेंगे, सिख धर्म की थोड़े कहेंगे। जैसे पहले बुद्ध धर्म की थी, फर्ज करो तो बुद्ध की हुई, देवी देवता धर्म का ही तो कहेंगे, तो उसको कन्वर्ट होगी सिख धर्म में। वैसे देवी देवता धर्म के ही कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्म में। देवी देवता धर्म की हुई सर, सिख धर्म की तो ना हुई ना। सिख धर्म की भी होगी नहीं तो सिख धर्म में चली कैसे गई? वो और धर्मों में क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? सिख धर्म में कन्वर्ट होगी जब सिख धर्म के गुरु नानक आए, उसके बाद ही उन्होंने कन्वर्शन स्वीकार किया। दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुई, पहले क्यों नहीं कन्वर्ट हो गई? तब तक स्थायी रही देवता धर्म में। मुस्लिम धर्म में अल्लाह के साथ अकबर क्यों करते हैं? अकबर का नाम क्यों लेते हैं? अल्लाह हमारे सबसे ऊंचा, जैसे सबसे ऊंचा फूल है कमल का फूल, तो फूलों में अल्लाह कहेंगे कमल। लेकिन जो नीचे ही किस्म के फूल हैं वो भी फूल ही तो हैं, कांटे तो नहीं है, तो उन फूलों में कौन सा फूल ऐसा है जो बहुत छोटा भी है और बहुत दवाइयों में काम आता है? अक का फूल। तो बड़े से बड़ा तो वो है कमल का फूल, लेकिन उसके साथ फूलों में ऐसा फूल कौन सा है जो छोटा होते हुए भी बहुत काम का है, जिसे कहते हैं अंधों में काने राजा। सारी दुनिया तो अंधी है, उन अंधों के मुकाबले तो अच्छा है, तो अल्लाह के साथ अकबर भी जुड़ा हुआ है।
जैसे शिव के साथ कौन जुड़ा हुआ है? शंकर। शंकर भगवान है? नहीं। सबसे ऊंचा बन के रहता है हमेशा? हमेशा सबसे ऊंचा बनकर रहता है? नहीं रहता। सबसे नीचा भी बन जाता। दुनिया में अगर नीच से नीच पार्ट कहा जाए तो किसका है? अरे वही प्रजा में जाते। जो आदम सबसे ऊंचे से ऊंचा था वही आदम सबसे नीचे से नीचे बन जाता है। तो ये इसका जैसे शिव के साथ शंकर का नाम जुड़ा हुआ है, ऐसे ही अल्लाह के साथ अकबर का नाम जुड़ा हुआ है। और हाँ, तो इसका अनुग्रह अगर बाबा दूसरी आत्माएं करेंगी तो वो तो धोखा खा लेगी। शंकर के लिए तो कहा कि कांटे से कांटा निकालने के लिए वो ऐसा बनता है। हाँ, दूसरी आत्माएं अगर ऐसा करेंगी तो धोखा खा लेंगी। कैसा करेगी? शंकर जैसा। वो बड़े से बड़े कांटे बनती हैं, बन पाती हैं, तो फिर एक औरत को रखने चुपट्टी हो जाते हैं, आंखें अंदर धस जाती हैं, जिनको दो चार होती हैं उनकी भिलभिलाहट हो जाती है, वहां तो 16,000 है पीछे। इसलिए तो मुझे बोला यह प्रजापिता ब्रह्मा की कहानी, उन्होंने नाम दे दिया है दादा लेखराज ब्रह्मा का। किताब लिख दी मोटी सी। क्या किताब लिख दी? एक अद्भुत जीवन कहानी। इंद्र किसका साथ दिया? ब्रह्मा बाबा। बाबा देव आत्माओं के लिए कहते हैं कि वो देव आत्माएं अंत तक नीचे उतरती रहती हैं, तो फिर उनको देव आत्मा क्यों कहते हैं? उनको तो अच्छे पीरियड में नीचे उतरना चाहिए ना, सतो प्रधानता के समय में। ये अभी तमो प्रधानता के समय में तो तमो प्रधान दुनिया में अच्छे लोग नहीं है? नहीं, इस तमो प्रधान दुनिया में अच्छे परिवार है या नहीं? बहुत है परिवार। नहीं, उन ऐसे अच्छे परिवार देखे जा रहे हैं जिन परिवारों में एक ही चूल्हे में रोटी बनती है। नहीं, और जो मुखिया है वो ऐसे रहता है परिवार में जैसे कोई राजा का राज्य चल रहा हो। उस मुखिया की बात को परिवार का कोई भी सदस्य नीचे से लेकर ऊपर तक का काट नहीं सकता, और सब बड़े शांति से रहते हैं, और इम्प्योरिटी का नाम निशान नहीं। बाबा ऐसी आत्माएं काफी लंबे समय तक ऊपर परम धाम में लटकी रहती हैं, तो अभी उनका समय आया है, ऐसा उनमें क्या, इसके पीछे क्या रहस्य है? सब ऐसा यही रहस्य है कि उन्होंने ज्ञान बाद में लिया। वहां 5,000 वर्ष में सचरूपी रंगमंच पर उतरते हैं बाद में, यहां 100 वर्ष के संगम युगी पीरियड में अंत में उतरते हैं ज्ञान में। ज्ञान नहीं उठाते। अभी जो भी आत्मा है आपका जो उनको सबको शुद्ध कहते हैं, हम कहते हैं उनको है? अभी जो उतर रहे हैं जहाँ है जहाँ पर उनको सभी को हम क्या कहते हैं? शुद्ध है। सभी जो उतर रहे हैं सब शुद्ध है, सभी को बोल रहे हैं अभी कलयुग में होते हैं सभी शुद्ध। तो देवता तो जहाँ एक भी नहीं, जहाँ देवता है वहां शुद्ध नहीं, तो फिर उनको देवता क्यों कहेंगे? हम अभी उतर रहे हैं, देवता धर्म के हैं ये, देवता नहीं का। 33 करोड़ में तो आते हैं ना? 33 करोड़ देवताओं की लिस्ट है, लेकिन असली जैसे बाबा ने बताया कि 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता हैं, तो जो सतयुग के पहले जन्म में आएंगे वो उनके मुकाबले कच्चे हुए या पक्के हुए? कच्चे। और फिर उसके बाद और आते रहते हैं, उनको कच्चा कहेंगे या पक्का कहेंगे? त्रेता में जो देवता देवात्माएं आती हैं वो सेमी देवताएं बता दी। तो देवताओं में भी कैटेगरीज हो गई, कोई 84वें जन्म में नीचे उतरती हैं, 84वें जन्म में जाकर के वो उनकी शूटिंग होगी देवता धर्म में आने की, बाप की बात मानने की। जब जागे तब बोल।
और ब्याज की भी गद्दियाँ चली हैं है? ब्याज की भी गद्दियाँ चली हैं, तो उसकी जो गद्दी के वारिसदार हैं वो अष्टदेवों में से हैं। वारिसदार नहीं होते हैं सन्यासियों में, मतलब जो बैठते हैं हाँ गद्दी नसीब होते हैं। चेला है तो कौन सी माला के हैं? कौन सी माला के हैं? सन्यासियों की माला अपनी अलग होती है, जैसे हर धर्म की अलग माला होती है। और बोलते हैं कि एडवांस पार्टी घूम में जाने लग रही है और ये एक दिन प्रत्यक्ष होगी, तो क्या वो लोग सूक्ष्म लोग पे मानते हैं, लेकिन यहाँ तो हम लोग ही है, तो क्या हमारी बहने जो सब है क्या ये बाहर आकर प्रत्यक्ष कर नहीं पाते? बाहर आके प्रत्यक्ष कर दुनिया में एडवांस पार्टी गुप्त रूप में जाने लग रही है, बाप को प्रत्यक्ष कर क्या ढोल मजीरा बजाए? हाँ वो कह रहे हैं उसका मतलब यही है कि हम तो ढोल मजीरा बजाते हैं, हम ढोल मजीरा बजाते हैं तो हम प्रत्यक्ष हैं, और वो चुपचाप अंदर बैठते हैं, चुपचाप अपना एक एक को एक एक को बैठ समझाता है, तो ये होता गुप्त है। बाद में प्रत्यक्ष करेगी गुप्त बाप को, क्या बाद में प्रत्यक्ष करेगी बाप को? प्रत्यक्ष माने उनकी तरह ढोल मजीरा बजाएंगे? पूछ रहे क्या बात है? यही बात है कि जो गुप्त होता है उसमें ताकत ज्यादा होती है, उसको जितना छुपाएंगे उतना ज्यादा प्रत्यक्ष होगा, कार्य अंदर नहीं चलेगा। अच्छी बात है ना, जब घोसले में ज्यादा फायदा है या गुप्त में ज्यादा फायदा है? नाटकबाजी करके रात में चमचमा चेहरा दिखा करके और वो गुलाल और वो सितारे लगा करके खूब अच्छी तरह से दिखावा कर दो, रात रात भर के बाद सवेरे को कला असली चेहरा सामने आ गया। बाबा एक तरफ कहा मन के मौन से नई रंगत निकलेगी है, दूसरी तरफ ये कहा कि सच्चाई सर चढ़ के बोलती है, है? सच्चाई सर चढ़ के बोलती है, सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है, ठीक है। तो एडवांस वाले भाइयों के सामने अब ये बात आ जाती है कि वो झूठ को तो बर्दाश्त करेंगे सर, तो बोलेंगे बोलेंगे तो वो तो प्रत्यक्ष होके रहेंगे फिर, और वो अपने आप को झूठ भी रखना पड़ेगा उनको। प्रत्यक्ष तभी होंगे जब उनकी मनसा सुधरेगी, या सिर्फ वाचा से ही बोल बोल करेंगे तब प्रत्यक्ष होंगे? मनसा भी नहीं, मनसा ही जब तक नहीं सुधरेगी, प्योरिटी में जब तक इजाफा नहीं होगा तब तक प्रत्यक्षता नहीं होगी। ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्योरिटी में परिपक्व होते हैं तो उनकी शोहरत में इजाफा हो जाता है। ओम शांति।